बच्चों, हम क्लास 5 का लेसन 8 करते हैं। लेसन 8 द बर्ड्स आई, जिसका चैप्टर पढ़ा दिया गया है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हो, पूरी चैप्टर को समझ सकते हो। बहुत अच्छी चैप्टर है, इसका आप लोगों ने टीवी सीरियल भी देखा होगा। तो बच्चों, अब हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 करने से पहले आप लोगों को ये एक बात बताना चाहती हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाइएगा और वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, वन इज डन फॉर यू। ये जो चार्ट है हम लोग का, देखो बीच से लाइन, एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके बीच में एक लाइन है। नेम ऑफ द प्रिंस, राजा का नाम, हिज फेवरेट वीपन्स, और उसकी क्या पसंदीदा औजार थे, उसका नाम लिखना है हम लोग को यहाँ पे। तो पहला नाम किसका है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का जो है वो क्या था, उनका स्पीयर, स्पीयर उनका पहला औजार था, भाला। और दुर्योधना, दुर्योधना का क्या था औजार, मांस, मांस। दुर्योधन और भीम दोनों का गदाधारी थे, उनको बोला जाता था ना, दुर्योधन और भीम को गदाधारी। और नकुल और सहदेव दोनों जो ट्विंस थे, जुड़वे जो थे, उनका जो था औजार शोड था, शोड यानी कि तलवार। अर्जुन का क्या था, आर्चर, अर्जुन का तीर और धनुष था। तो ये बच्चों हम एक्टिविटी नंबर 4 करते हैं यहाँ पे। लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जिसका आंसर हम लोग देते हैं। पहला है क्या, हु वॉज द गुरु ऑफ द्रोणाचार्य, गुरु का नाम बताओ। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आंसर जो है छोटा छोटा लिखा है, जिससे कि आप लोग इसको लिखो तो पूरा नंबर आप लोग को मिलेगा, और बड़ा आंसर लिखोगे, स्पेलिंग रॉन्ग करोगे, उल्टा सीधा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। टू दी पॉइंट लिखना चाहिए, जितना पूछा गया उतना का ही आंसर दो। नंबर 1 देखो, हु वॉज द गुरु ऑफ द्रोणाचार्य, तो क्या, कौन थे गुरु द्रोणाचार्य के, परशुराम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, परशुराम वॉज द गुरु ऑफ द्रोणाचार्य, नहीं, परशुराम लिख दो, बस बात हुई खत्म, पूरा एक नंबर जो होगा वो मिल जाएगा आपको। वेयर वॉज द बर्ड प्लेस, बर्ड को कहाँ रखा गया था, ऑन वन ऑफ द ट्री, एक पेड़ के ऊपर, ठीक है। नंबर 3 देखिए, व्हाट डिड युधिष्ठिर सी, युधिष्ठिर क्या देख रहे थे, ही रिप्लाइड, आई कैन सी यू गुरुदेव, द ट्री एंड द पीपल अराउंड मी। बोल रहा है युधिष्ठिर, बोले कि पूछे गुरुदेव कि तुम क्या देख पा रहे हो, उन्होंने उत्तर दिया कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, पेड़ को देख पा रहा हूँ, और जो मेरे आसपास व्यक्ति हैं उनको देख पा रहा हूँ। नंबर 4 देखो, वाई डिड द्रोणाचार्य लाइक अर्जुन द मोस्ट, द्रोणाचार्य जो थे अर्जुन को क्यों ज़्यादा प्यार करते थे, बिकॉज ही वॉज प्लीज्ड विथ अर्जुन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वो अर्जुन जो अपने लक्ष्य को साध कर उस पर ध्यान एकाग्र करते थे, माने अपने ध्यान को अपने कार्यों में लगाते थे, इसके वजह से द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन को प्यार करते थे। नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हिटिंग अ टारगेट, तो सबको पता है टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत रहती है, इसलिए हिटिंग टारगेट को, लक्ष्य को निशाना साधने के लिए किसकी जरूरत होती है, कॉन्सेंट्रेशन की, यानी कि एकाग्रता की। नंबर 5 देखिए, एक्टिविटी नंबर 5, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यू विल फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी, द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड इज गिवन इन द बॉक्स। हम लोग का जो है ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बॉक्स के बाहर और बॉक्स के अंदर, तो इसका ऑपोजिट हमको विलोम शब्द लिखना है, यानी कि उल्टा। डार्क का क्या होगा बच्चों, देखो बी पहले से दिया हुआ है तो यहाँ ब्राइट होगा, और सैड का ग्लैड होगा यानी कि खुश, सैड मने दुखी, तो जी एल ए डी लगा दिए। नेवर, नेवर मने कभी भी नहीं, तो यहाँ पे ऑलवेज लगा दिया हमने, ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, ऑलवेज मतलब हमेशा। वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब
खराब तो उसका हमने बेस्ट लिखा। एवरीथिंग यानी कि नन, कुछ भी नहीं। इनविजिबल जो अदृश्य है, दिखता नहीं है, तो उसको हमने बना दिया दृश्य, विजिबल, सब कुछ दिखने वाला। नंबर सिक्स देखिए बच्चों, मैच द कॉलम ए विद द कॉलम इन बी। तो यहाँ पे ए बी और दो ग्रुप बनाए गए हैं, बीच में लाइन खींचा हुआ है। अब पूछ रहा है कि किससे किसका मैचिंग होता है। डिसिपल, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंगली यानी कि उसी के अनुसार हमें इसको मैच करना है। डिसिपल, डिसिपल यानी स्टूडेंट्स। अच्छा, रॉयल, रॉयल माने मैजिस्टी, तो इसको हम लोग लगाएंगे। इमेंस, इमेंस का मतलब फ्यूज, ज़्यादा। साइलेंस्ड, साइलेंस्ड का मतलब क्या है बच्चों, केप्ट क्वाइट। तो और टारगेट, टारगेट का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गोल। प्रोमिनेंटली, प्रोमिनेंटली का मतलब डिस्टिंक्टली। और ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मतलब नोटिस्ड, ठीक है। और अब देखिए हम लोग एक्टिविटी नंबर 7 करते हैं। लेट्स फिल इन द गैप विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। 1 नंबर देखिए, वी आर। देखो बच्चों, यहाँ पे एक जो है हम लोग का येलो कलर का बॉक्स है, उसमें कुछ वर्डिंग्स दिए गए हैं जिसको लेके हमें इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। नंबर 1 देखिए, वी वेर डैश टू हियर द सैड न्यूज़, सरप्राइज। हम लोग कुछ भी अच्छी या बुरी न्यूज़ सुन के क्या हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। नंबर 2 देखिए, द प्लेयर्स आर रेडी फॉर द गेम। यहाँ पर रेडी होगा, जो येलो कलर का बॉक्स में दिया हुआ है उसी को चुन चुन के हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। नंबर 3 देखिए, ऑलवेज, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम फियर्स एनिमल। तो फियर्स, डरावने जानवर से हम लोग को अपने को सुरक्षित रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। नंबर 4 देखिए, डैश गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। किसी से आप झगड़ा करके थोड़ी ना मांगोगे, उसको प्लीज़ कह के मांगोगे, इसलिए प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। रेनुका डैश इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स ऑन हर 10th बर्थडे। रेनुका ने अपने सभी फ्रेंड्स को 10th बर्थडे पे, अपनी 10th एनिवर्सरी पे इनवाइट किया। तो देखो बच्चों, ये जो नंबर 7 एक्टिविटी है, देखो ये ब्लू कलर से लिखे हुए येलो बॉक्स में जो दिया हुआ है, उसी से मैंने चुन चुन के ये सारा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स किया है। बच्चों, हमारा ये वीडियो, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन वाली घंटी दबाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा कि इस चैनल पे ये वीडियो आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आप लोग के सामने लेके आएंगे, चैप्टर 9।